हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम डिज़ाइन स्टेप ऑफ गाइड बैंक देखेंगे और उससे फिर एक रिलेटेड न्यूमेरिकल कर लेंगे जो 2019 में MDU 20 नंबर का आया था। बड़ा सिंपल है गाइड बैंक का डिज़ाइन, सबसे आसान होता है और सबसे स्कोरिंग, हम सबसे ज़्यादा मार्क्स इसे स्कोर कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। और बिल्कुल सेम इसका एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, वही सेम हमेशा रिपीट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा गाइड बैंक के बारे में देख लेते हैं, फिर हम इसका डिज़ाइन स्टेप देखेंगे, फिर इसके बाद इसका न्यूमेरिकल देख लेंगे डिज़ाइन स्टेप को अप्लाई करते हुए। तो गाइड बैंक आर मेड फॉर द गाइडिंग द स्ट्रीम नियर ए स्ट्रक्चर सो एस कन्फाइन इट इन ए रीजनेबल विड्थ ऑफ द रिवर। तुम्हारे गाइड बैंक वो होते हैं, मतलब एक तो आपने देखा होगा बैंक सीधा बोल देते हैं हम, सिंपल गाइड बैंक हमारे आर्टिफिशियल हो जाते हैं जो हम बनाते हैं, ठीक, आर्टिफिशियल जो हमारा, और जो हमारे सिंपल जो वैसे गाइड बैंक होते हैं उन्हें खादर बोल देते हैं, ठीक है, हिंदी में खादर बोल देते हैं, इंग्लिश में भी सर यही बोलते हैं। जो नॉर्मली बैंक होते हैं रिवर विवर के, उनको हम खादर बोल देते हैं, पर अगर हम उन्हें आर्टिफिशियली बनाए तो उन्हें हम गाइड बैंक बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। तो ये इसको हम बैल बंड सोर बोलते हैं, ठीक है, गाइड बैंक को हम बैल बंड सोर बोलते हैं, ठीक है। कई बार हमारा गाइड बंड भी लिखा मिलेगा तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, बैंक और बंड एक ही है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर हमारा बैंक या बंड कुछ भी लिखा मिल सकता है, दोनों चीज़ का मतलब एक ही है। तो ये हमारे वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कहीं पे भी हमारा जब रिवर में के क्रॉस करने के लिए हमें कोई भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जैसे रिवर है तो हमें यहाँ पर ब्रिज बनाना पड़ गया, रोड बनाना पड़ गया, तो पहले हमारा वो बनेगा ना, ऊपर रिवर जा रही है तो कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है ना, तो उसके आसपास हमें गाइड बैंक बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पूरा गाइड बैंक बनाना पड़ेगा, यहाँ पर गाइड बैंक बनाना पड़ेगा, ये क्यों, क्योंकि अगर रिवर का फ्लो ज़्यादा होगा और अगर हम यहाँ पर बिना गाइड बैंक, मतलब कुछ भी कंक्रीट की प्रोटेक्शन के बिना अगर हम बनाते हैं ना, तो सोइल इरोजन के साथ हमारा पूरे जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे क्रॉस करने के लिए उस पर खतरा रहेगा। ब्रिज बनाते हैं या फिर कुछ ही बनाते हैं हम रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, ठीक है, इसलिए हम गाइड बैंक बनाते हैं ताकि इरोजन के साथ पूरा हमारा स्ट्रक्चर ही टूट ना जाए, ठीक है, इसलिए हम गाइड बैंक को प्रोवाइड करते हैं। यही स्टेटमेंट लिखी हुई थी, गाइड बैंक आर मेड फॉर द गाइडिंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम को गाइड करते हैं इसमें से, और नियर ए स्ट्रक्चर सो एज टू कन्फाइन इट ए रीजनेबल विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, इसको हम बैल बंड भी बोल देते हैं, क्योंकि बैल साइंटिस्ट था ना, उसने हमको गाइड बैंक का वो बताया था डिज़ाइन, इसके बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। गाइड बैंक आर अर्थवर्क एम्बेकमेंट फॉर गाइडिंग द फ्लड वाटर, फ्लड वाटर को गाइड करने के लिए, बस ये एक और बार लिखा हुआ है, ऑफ रिवर नियर ए स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर, जो ये स्ट्रक्चर हमारा कंस्ट्रक्ट है उसके पास ही हमारा गाइड बैंक बनता है, ठीक है, ऐसे ही हम कहीं पर नहीं बनाते, जहाँ पर भी कोई स्ट्रक्चर होगा ना, जैसे यहाँ कैनाल जा रही है क्रॉस ड्रेनेज वर्क का हो गया, जैसे हमने एक्वेडक्ट में पढ़ा था उसमें कैनाल, तो हमें यहाँ पर गाइड बैंक प्रोवाइड करने पड़ते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ उन गाइड बैंक का डिज़ाइन देखेंगे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, हमें इसमें निकालना होता है क्लियर वाटरवे, ये जो क्लियर वाटरवे होगा ना, ये निकालना होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है गाइड बैंक के लिए, जो हमारा क्लियर वाटरवे होता है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ, ये जैसे ये गाइड बैंक मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, इसका ये जो क्लियर वाटरवे होगा ना, वो हमें निकालना होता है, ठीक है। जैसे द फर्स्ट स्टेप इन, ये लिखना नहीं है आपको, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें, तो क्लियर वाटरवे का हमारा लेसी का फॉर्मूला है, लेसी साइंटिस्ट था, ठीक है, लेसी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, वाटरवे का पी इक्वल्स टू 4.75 अंडर रूट डिस्चार्ज, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। पहले स्टेप में हमारा सिर्फ ये होता है और इसको हम 20% बढ़ा देते हैं पियर्स को लेकर, ठीक है, ब्रिज के पियर हो गए या फिर हमारी अगर ऊपर से कैनाल जा रही है उसके पियर्स हो गए या फिर हमारा कुछ भी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ना, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया उसके पियर्स होंगे नीचे हमारे, ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके नीचे पियर्स होंगे, तो उसकी जो है ना हम 20% बढ़ा देते हैं, बस आपको ये याद रखना है, एल इक्वल्स टू 1.2 ऑफ, जो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी उसको 20% बढ़ा के हमें यूज़ करना है, तो हम 20% बढ़ा देते हैं। हमारा पहला स्टेप यही है, बस ये दो पॉइंट हमें याद रखने हैं, दो फॉर्मूले याद रखने हैं, 20% बढ़ा देते हैं, बस न्यूमेरिकल देखेंगे ना आपको सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, 20% बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारा स्टेप टू स्टार्ट हो जाता है, स्टेप टू बिल्कुल सेम टू सेम है, आपको ये सारे पॉइंट याद रख लेने हैं। लेंथ ऑफ द अपस्ट्रीम गाइड बैंक, ये क्या होता है अभी मैं बताऊंगा, लेंथ ऑफ द अपस्ट्रीम गाइड बैंक 1.25L टू 1.5L होती है, ठीक है, ये जैसे हमारा गाइड बैंक है, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हमारा ऐसा बनेगा, तो इसमें हमारा पॉइंट क्या है, लेंथ ऑफ द अपस्ट्रीम गाइड बैंक, जैसे ये हमारा ब्रिज है जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ठीक है, तो
तो उसके नीचे हमारे पीयर्स होंगे, ठीक है, उसी का हमने 20% बढ़ाया, ठीक है, ये वॉटरवे का पूरा क्लियर वॉटरवे के लिए, ठीक है। तो अपस्ट्रीम जो है ना, ये इस स्ट्रक्चर से जो अपस्ट्रीम का पोर्शन है हमारा गाइड बैंक का जो हमने बनाया कंस्ट्रक्ट किया है, ये हमारा होता है 1.25L to 1.5L। आप 1.25L ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा यही ले लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं, पर इसके बीच में लेते हैं हम, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि हम हमेशा ये बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप यूज़ होंगे, हमेशा हमेशा एक ही टाइप का न्यूमेरिकल आते हैं, सारे स्टेप सेम होते हैं। तो 1.25L to 1.5L ले लें, लेंथ ऑफ डाउनस्ट्रीम गाइड बैंक। तो ये डाउनस्ट्रीम का गाइड बैंक है, ये अपस्ट्रीम है, ठीक है, और ये डाउनस्ट्रीम आ जाता है ब्रिज के जब क्रॉस कर लेते हैं ना, पानी साइड से आ रहा अपस्ट्रीम से, नीचे डाउनस्ट्रीम जो भी स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया उसके इस तरफ को डाउनस्ट्रीम होता है। तो वो होता है हमारा 0.25L ये लेंथ, ठीक है। ये डायग्राम हमें बना के दिखाना है क्योंकि इसी के नंबर मिलते हैं, इसमें स्टेप तो बहुत कम है, उसके बाद हमारे डायग्राम के ज़्यादा नंबर मिलते हैं, डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है। फिर हमारा क्या आता है, एज्यूम अपस्ट्रीम कर्व हेड, ये हमारा अपस्ट्रीम कर्व हेड है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है 120 से 145, ठीक है, ये 120 से 145 थोड़ा सा ऐसा बनता है, ठीक है, ये थोड़ा सा बन गया, ये 90 से भी कम दिख रहा है, ठीक है, आपको देख लेना, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये अपस्ट्रीम में दो कर्व है, अपस्ट्रीम कर्व हेड दोनों साइड है ना, ठीक है। तो दो कर्व हेड की जो हमें डायमेंशन लेनी है 120 से 145 के बीच में लेनी है, आप हमेशा 130 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इनके बीच की जैसे ये हमेशा 50 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अज्यूम डाउनस्ट्रीम कर्व हेड, ये हमारा डाउनस्ट्रीम का कर्व हेड हो गया, ठीक है, इसका जो एंगल होगा 45 to 60 degree, ठीक है, यही ले ली, इनके बीच में ले लीजिए या फिर एक वैल्यू आप फिक्स कर लीजिए, जैसे 50 ले लीजिए हमेशा, 130 ले लीजिए इसकी, ठीक है, ऐसे कुछ भी आप ले सकते हैं, 45 ले लीजिए हमेशा, मर्जी आपकी, इनके बीच में ले लीजिए, कोई भी आपको डिज़ाइन करना है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इसमें, तो कुछ भी ले सकते हैं आप इन दोनों में से, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है रेडियस ऑफ द अपस्ट्रीम कर्व हेड, ये हमारी अपस्ट्रीम का कर्व हेड था, उसकी रेडियस भी होगी कुछ, तो वो कितनी होती है 0.45L, सेम टू सेम हमें यही याद रख लेना, हमेशा यही लेनी है, ठीक है। और नीचे रेडियस ऑफ द डाउनस्ट्रीम कर्व हेड 0.25L, ठीक है, 0.25L ले लेंगे हम डाउनस्ट्रीम वाले की, ठीक है। और ये हमारा L क्या है, L हमारा ये है, ठीक है ना, ये जो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर L 1.2P से, ठीक है, वेड से हम फिर L की वैल्यू निकाल चुके हैं, यही हमारा L है, ठीक है, ये हमें इसे इस डाल देना और सब कुछ, इसको हम संक बोल देते हैं, आपको याद रखने रखिए, नहीं तो ये डायग्राम अच्छे से याद रख लीजिए, ये अपस्ट्रीम के कर्व हो गए, ठीक है, ये डाउनस्ट्रीम के कर्व हो गए, ठीक है, यहाँ लिख देंगे डाउनस्ट्रीम कर्व हेड, ठीक है, ऐसे हमें लिख देना है, डायग्राम अच्छे से बनाना है आपको, इसी के बहुत नंबर है, अगर 20 नंबर का आएगा ना तो लगा लीजिए 5 नंबर सिर्फ आपके डायग्राम के, 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, एक तो ये है एक लास्ट में जाके, ठीक है, 5-5 नंबर सिर्फ, क्योंकि स्टेप तो सिंपल है बिल्कुल, डायग्राम अच्छा सा बनाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ डायग्राम है क्योंकि स्टेप तो बहुत कम है। तो ये सब कुछ सेम टू सेम है, आपको ये याद रख लेना है, ये सारे आपको लिख लेने हैं, स्टेप टू हमारा यहाँ कंप्लीट होता है, इसमें 4 ही स्टेप है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं, इसके बाद हमारा ये डायग्राम बन जाएगा, ठीक है, डायग्राम बन जाएगा, फिर आता हमारा थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप होता है हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ द गाइड बैंक, तो अब हम क्रॉस सेक्शन को देखते हैं गाइड बैंक के, ठीक है, उसमें हमें फ्री बोर्ड की हमें वैल्यू याद रख लेनी, किसके किस बीच में लेते हैं, ठीक है, 1.25 to 1.5 के बीच में हम फ्री बोर्ड ले लेते हैं, ये याद रख लीजिए, फ्री बोर्ड हमारा होता है, जैसे लास्ट में जो हम डायग्राम बनाते हैं वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, लास्ट में हम जो डायग्राम बनाएंगे वो ऐसा दिखेगा। तो फ्री बोर्ड होता ही है हमारा, जैसे रिवर का पानी यहाँ तक भरा हो ना, हाई फ्लड लेवल है हमारा, ठीक है, हाई फ्लड लेवल, रिवर का पानी रहेगा, ऊपर हम जो है ना गाइड बैंक, ये क्या है, ये जो पोर्शन है ना, ये पूरा ऐसा दिखेगा हमें, ये पूरा पोर्शन जो है ना ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा होगा, लाइन लंबा सा जा रहा होगा, ये ऐसा ही होगा, ठीक है, यहाँ ये पूरा ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, ये वो पोर्शन है, ठीक है। तो ये अपस्ट्रीम का मतलब कि ये पानी भरा होगा, उसके ऊपर जो हम जो गैप छोड़ते हैं ना, वो 1.25 to 1.5 meter तक का हम वो छोड़ते हैं, ऊंचा रहेगा हमारा रिवर के पानी से, हाई फ्लड लेवल से, ठीक है, जो हाई फ्लड लेवल रहता है जिस सीजन में भी, उससे हमेशा हम करीब 1.5 meter ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, हमेशा यही ले लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 1.5 meter ऊंचा लेते हैं। तो यही हमें एक दो वैल्यू याद रखनी है बस, वन फ्री बोर्ड हम लेते हैं 1.25 to 1.5 meter, ये याद रख लेना है। टॉप विड्थ कैरीज वे, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कितना लेते हैं, ये हम जनरली 4 meter से कभी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा 4 meter से ज़्यादा होना चाहिए, तो हमेशा आप 5 meter ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा 5 meter ले लीजिए, ये याद रख लीजिए, 5 meter लेना है हमें। और जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं,
ये हमेशा जनरली हमेशा ही 2:1 का प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमेशा यही आपको याद रख लेने, सिंपल सी चीज़ है। और हम जो इसमें ना निकाल के दिखा देते हैं, वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे एक दो चीज़ हम और भी दिखा देते हैं, क्योंकि डिज़ाइन करना होता है हमें ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बतानी होती है कि हम ये RL रिवर बेड लेवल तो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में हमेशा ही गिवन रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर हम बता देंगे आई फ्लड लेवल, ये भी हमारा क्वेश्चन में गिवन होता है नॉर्मली। एक दो चीज़ और बता देते हो क्वेश्चन में हम देख लेंगे, ठीक है। जैसे वाई हो गई हमारी डेप्थ ऑफ द वाटर अबाउ द बेड लेवल, ठीक है, ये हमारी ये बेड लेवल है, तो उसके बाद हमारी यहाँ तक हाई फ्लड लेवल तक जो डेप्थ ऑफ वाटर होती है उसको वाई से डिनोट करते हैं। तो बची हुई चीज़ें देख लेते हैं इसमें, ठीक है। लास्ट स्टेप आ जाता है, हमारी लास्ट स्टेप है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ स्टोन पिचिंग एंड एप्रन, ठीक है। एप्रन जो होती है ना, ये होती है हमारी, ये जो पिचिंग यहाँ पर करते हैं ना, इसको एप्रन बोलते हैं, ठीक है। इसकी अभी डेफिनेशन बता दूंगा लास्ट में। अभी इसका जो ना स्टोन स्लोप पिचिंग थिकनेस, इसका फॉर्मूला याद रख लेना हमें, सिंपल सा बहुत सिंपल फॉर्मूला है, स्मॉल टी से डिनोट कर देंगे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो इसको, बड़े टी से थिकनेस ऑफ एप्रन को, ठीक है। ये थिकनेस, ठीक है, ये थिकनेस स्मॉल टी से डिनोट कर रही है, कौन सी थिकनेस है, स्लोप पिचिंग थिकनेस। ये जो हमने स्लोप पे पिचिंग की है ना, स्टोन की पिचिंग होती है, ठीक है, इस पे स्टोन की पिचिंग, स्टोन बिछाए जाते हैं, देखा होगा आपने, तो इसका फॉर्मूला होता है ये हमारा टी इक्वल टू 0.06 ब्रैकेट में क्यू डिस्चार्ज की पावर 1/3, ठीक है। ये हमारा हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, डिस्चार्ज थिकनेस ऑफ एप्रन हो जाएगा टी इक्वल टू 1.9 ऑफ टी, इस यही हमारा स्मॉल टी है, ये जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी ना इससे, उसको 1.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इसकी थिकनेस निकल आएगी। तो नीचे हम बेड पे बिछाएंगे ना तो उसकी थिकनेस निकल आएगी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट होता है हमारा लेंथ ऑफ एप्रन निकालना, बस इसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ये लेंथ निकालना, ये 1.5D होता है, बस इसमें जो हमें समझना है ना वो डी है, डी की वैल्यू समझनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो 1.5D होती है लेंथ ऑफ एप्रन, ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है इसी को लेंथ ऑफ एप्रन बोलते हैं। इसके बाद स्लोप पिचिंग के बाद इसको हमने लेंथ, जब बेड पे भी हमें कुछ स्टोन बिछाने होते हैं वो कब कितना बिछाते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है, तो इसमें हमें लेंथ ऑफ एप्रन जो होती है ना हमारी, एक तो हमारा देखो ये तो है बिल्कुल सिंपल, ये सिंपल हमारा गाइड बैंक है। अगर हमारी रिवर अगर बिल्कुल स्ट्रेट है तो हमारा गाइड बैंक बिल्कुल आराम से बन जाएगा, पर अगर हमारी जो रिवर है हमारी थोड़ी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी है तो हमारा जो गाइड बैंक है ना वो भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा जाएगा ना, तो उसको हम कर्वी लीनियर बोलते हैं। इसके ऊपर हम ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट के ऊपर बना रहे तो हमारा सिंपल सा बन जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट रीच गाइड बैंक। और अगर हमारा ऐसी पे है तो हम उसे कर्वी लीनियर ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ गाइड बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो बस इसमें हमें ये दो पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। 1.5D हमें लेंथ ऑफ एप्रन निकालनी है, तो इसमें हमें दो केस आएंगे, एक तो स्ट्रेट रीच गाइड बैंक का आएगा और दूसरा होता है हमारा कर्वी लीनियर ट्रांजिशन पोर्शन ऑफ गाइड बैंक, ठीक है, दो हमारे ये पॉइंट आएंगे। तो अगर हमारा स्ट्रेट रीच का है, क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना आपको दोनों केस सोल्व कर देने हैं, या फिर एज्यूम करके लिख देना, एज्यूम स्ट्रेट लाइन रीच गाइड बैंक, और फिर हमें दूसरे पॉइंट में लिख देना एज्यूम कर्वी लीनियर दोनों को, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे जब आपको समझ आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है सिर्फ स्ट्रेट लाइन का तो आपका एक स्टेप बच जाएगा, अगर नहीं गिवन है तो दोनों से सोल्व कर देना है। बस चेंज क्या होगा, जब स्ट्रेट लाइन होगा 1.25R - Y हो जाएगा, वाई हमारा डेप्थ ऑफ वाटर है जो बेड लेवल से ऊपर की है, ठीक है, और हमारा आर अभी देखेंगे हम कैलकुलेट कैसे करना है। और अगर हमारा अगर कर्वी लीनियर आ जाता है, थोड़ी रिवर जो है टेढ़ी मेढ़ी सी है उसमें हम गाइड बैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 1.5R - Y हो जाता है, बस ये डी की वैल्यू हो जाती है, हमें बस एपरेंट की लेंथ निकालने के लिए बस डी की वैल्यू निकालनी होती है। तो उसमें आर अब क्या होता है हमारा, आर के लिए फिर हमें और देखना पड़ता है, आर की वैल्यू होती है ना वो होती है 0.47 ब्रैकेट में Q/F^3, ठीक है, ये हमें तो क्वेश्चन में गिवन है, पर हमें अगर सील फैक्टर डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत सिंपल डाल के हम सीधा निकाल देंगे आर की वैल्यू फिर इसमें डालेंगे, सीधा हमारी लेंथ ऑफ एप्रन निकल आएगी। अगर हमें सील फैक्टर नहीं दिया हो तो हमें दिया होगा डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हमें लिखा रहता है जो नीचे का मटेरियल है उसका जो डायमीटर है ये है, ठीक है, उसका साइज ये ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल अभी देखेंगे। तो एफ का हमारा सील फैक्टर है, ये भी हमने कैनाल डिज़ाइन में किया हुआ है, ठीक है, कैनाल डिज़ाइन जब करते हैं तो उसमें सील फैक्टर आता है हमारा, ठीक है, लेसी नहीं दिया था ये फॉर्मूला भी। तो 1.76 √D, तो इसमें डायमीटर ऑफ द सील पार्टिकल दिया होगा हमारे क्वेश्चन में पक्का गिवन होगा, या तो ये या फिर डायरेक्ट कई बार सील फैक्टर हमें डायरेक्ट ही दे देते हैं, सील फैक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है,
ये मैं कैनल डिज़ाइन में हम करते हैं, इसका पूरा न्यूमेरिकल होता है ना, कैनल डिज़ाइन करते हैं, सिल फैक्टर तब वहाँ पर आता है, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे एफ इक्वल टू 1.76, जो यहाँ पर डी की वैल्यू दी होगी उसको डाल के जो हमारी वैल्यू आएगी उसको फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एफ की वैल्यू आ गई उसको यहाँ डाल देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, आर की वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी तो हमारी डी की वैल्यू निकलेगी, डी की वैल्यू फिर हम डाल देंगे यहाँ पर तो हमारा लेंथ ऑफ एपरेंट निकलेगा। बस एक ये स्टेप होता है जो थोड़ा कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं, पर ये स्टेप बिल्कुल कन्फ्यूज है, बिल्कुल सीधा सा स्टेप है। अगर स्टेट रीच दिया दोनों केस निकाल देंगे हम, और फिर लास्ट में हमें डायग्राम बना के दिखा देना है, ठीक है। लास्ट में जब हम ये सब कर लेंगे ना, ये सारी से वैल्यू निकल के आएगी, तो 1.5D ये लेंथ हमें मेंशन कर देनी है। ये ऐसे नहीं लिखना, जब आप बना देंगे ना तो आपको जो लेंथ निकल के आएगी ना वो यहाँ पर लिखनी है, थिकनेस बता देनी है पिचिंग की कितनी आई है, ठीक है। और यहाँ पर एप्रन की जो पिचिंग की है उसकी थिकनेस कितनी आई है, लेंथ हमें, ठीक है। फ्री बोर्ड बता देना हमने कितना ज्यूम किया था, ठीक है। डेप्थ ऑफ वाटर हमें RL ऑफ रिवर लेवल दिया होगा, उसमें से हम हाई फ्लड लेवल में से रिवर लेवल को माइनस कर देंगे तो ये हमारी वाई की वैल्यू निकल आएगी। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, जो ये भी गिवन होगा, हाई फ्लड लेवल भी गिवन होगा, इसमें से माइनस करिए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। टॉप विड्थ हम एज्यूम कर लेते हैं, 5 ले लेते हैं हमेशा नॉर्मली, ठीक है। सारी एज्यूम करते हैं, तो अब लेंथ ऑफ एपरन की एक बार ये लॉन्चिंग एपरन करके डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है जब आए ना, तो ये हम कई बार 2 नंबर का, कई बार 5 नंबर का भी आ जाता है सीधा से इसकी डेफिनेशन, तो आपको डायग्राम बनाना है अगर 5 नंबर का आ जाता है तो। वेन एवर ए स्लोपिंग फेस इज प्रोटेक्टेड बाय स्टोन पिचिंग, तो एक स्लोपिंग फेस को अगर हम स्टोन पिचिंग से प्रोटेक्ट करें अगेंस्ट क्योरिंग, ठीक है। द पिचिंग एक्सटेंडेड बियॉन्ड द टो, मतलब जो ये पोर्शन होता है इसको टो बोलते हैं, इसके बाद जो बियॉन्ड एक्सटेंड हो रही है ना पिचिंग, ये हम पिचिंग कर रहे हैं, स्टोन की पिचिंग यहाँ पर हो रही है, ठीक है। ये कर रहे हैं अगेंस्ट क्योरिंग, स्कोरिंग से अगेंस्ट, ठीक है। स्कोरिंग क्या होती है, हमारी मतलब कि कैनाल का जो आसपास का पोर्शन है ना वो भी साथ में अगर उससे थोड़ा थोड़ा स्कोर हो रहा है, मतलब कि सॉइल इरोजन सा हो रहा है, इरोजन के साथ बहता जा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्टोन की पिचिंग करते हैं ताकि इरोजन ना हो, ठीक है। आसपास साइड से इरोजन ना हो इसलिए हम पिचिंग करते हैं, ठीक है। तो अगेंस्ट क्योरिंग, ठीक है। द पिचिंग एक्सटेंड बियॉन्ड द टो, टो से एक्सटेंड कर रही है ऑन द बेड इन द फॉर्म ऑफ पैक स्टोन, तो पैक स्टोन के फॉर्म में हम पिचिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं कहाँ से, टो से आगे तक, तो इसको ही हम बोलते हैं एज शोन इन द अबव डायग्राम, इसी को हम लॉन्चिंग एपरन बोलते हैं, ठीक है। इसी को ये डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो अब इसका हम न्यूमेरिकल देखते हैं, तो आपके सारा पूरा अच्छे से समझ आएगा, फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, MDU 2019 में आया हो, 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिजाइन एंड स्केच ए गाइड बैंक। स्केच हमें जरूर करना है क्योंकि ये ही 10 नंबर का आ जाएगा, दो बार डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। 3 बार भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें अगर हमने कर्वी लीनियर नहीं दिया और हमारा स्ट्रेट लाइन, तो 3 डायग्राम बना देंगे तो और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर टाइम है आपके पास तो बना दीजिए, 2 डायग्राम तो आपको पक्का बनाने हैं जो मैंने बताया है, ठीक है। अगर कर्वी लीनियर का आप आ जाएगा ना तो केस तो थोड़ी डायमेंशन चेंज रही है, तो आप वो भी बना के दिखा सकते हैं। तो डिज़ाइन एंड स्केच ए गाइड बैंक इंक्लूडिंग लॉन्चिंग एपरन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, तो मैक्सिमम फ्लड लेवल दिया हुआ है, मैक्सिमम डिस्चार्ज दिया मतलब 1000 m³/s, ठीक है। हाई फ्लड लेवल दिया हुआ है, ठीक है। रिवर बेड लेवल दिया हुआ है 242, और हमारा रिवर बेड मटेरियल एवरेज साइज दिया हुआ है, ठीक है। जो नीचे मटेरियल है उसका साइज दिया हुआ है एवरेज, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो पहले हम वाटर वे निकालेंगे। सिंपल हमारा पहला स्टेप क्या था, वाटर वे निकालना। हमें ये सब कुछ, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ था, मैंने सीधा आपको फॉर्मूले में डालना है, लेसी में रिजी में वाटर वे लिख के या फिर क्लियर वाटर वे लिख के आपको सीधा फॉर्मूले में डालना, P=4.75√Q, ठीक है। सीधा आपको फॉर्मूले में डालना P=4.75√Q, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 1000 और 10000, ठीक है। डाल देंगे हम 4.75, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पी की वैल्यू निकालेगी 475 मीटर। तो इसको 20% बढ़ा देंगे, इसके बाद हमारा इसी फर्स्ट स्टेप में अगला स्टेप आता है। यहाँ पर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डायरेक्ट सोल्व करिए, स्टेप मैंने समझने के लिए लिखे थे, ठीक है। एल इक्वल्स टू 1.2 से इंटू कर देंगे पी को, तो हमारा 20% हम इसको, ये हमारा 20% बढ़ के निकल आएगा, ठीक है, 570 मीटर, ठीक है। हमारा क्लियर वाटर वे पीयर्स जब आते हैं तो उसको हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। पीयर्स की थिकनेस को मानते हो 20% के पास बढ़ा देते हैं इसको। तो लेंथ ऑफ द अपस्ट्रीम गाइड बैंक, लेंथ ऑफ द अपस्ट्रीम गाइड बैंक फिर, ठीक है। जो ये लेंथ है ना अपस्ट्रीम गाइड बैंक की, वो निकालते हैं अपस्ट्रीम गाइड बैंक की ये वाली लेंथ, ठीक है। ये निकालते हैं 1.25 ले लिया हमने, ठीक है। 1.5 ले लीजिए, 1.25 ले लीजिए। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आराम से निकाल देंगे 1.25। एल एम निकाल ही चुके हैं 570, तो ये निकल आएगी 712.5 मीटर। मैंने इसमें डायग्राम नहीं बनाया, मैं इसी में बता देता हूँ, ये हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, वहाँ पे आपको मेंशन करना है 712.5
5 मीटर, तो ये जो लेंथ निकल के आई है अपस्ट्रीम की, ठीक है, गाइड बैंक की, तो फिर हमारी सेम ऐसी निकाल दी लेंथ ऑफ द डाउन स्ट्रीम गाइड बैंक 0.25 L, तो 0.25 × 570, तो ये नीचे वाला निकाल देंगे, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी निकल गई, 142, ये सब आपको मेंशन करना है पेपर में, ठीक है, मीटर। तो फिर हम अगला क्या आता है हमारा, एज्यूम अपस्ट्रीम कर्व हेड 130 डिग्री, ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा 130 डिग्री है, ठीक है, कर्व हेड ये 130 डिग्री हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है, 120 से 145 के बीच में लेते हमने 130 एज्यूम कर लिया, ठीक है। सीधा सा ये सारे स्टेप लिखने हैं और बस आपको डायग्राम बनाना है और उसमें मेंशन कर देना है। एज्यूम डाउन स्ट्रीम कर्व हेड 45 डिग्री, ये हमने 45 मान लिया सीधा सा, ठीक है। और फिर हमारा बस रेडियस आ जाती है, इनकी रेडियस को कैलकुलेट करना, ठीक है। रेडियस ऑफ द अपस्ट्रीम कर्व हेड आर इक्वल 0.45, ये हमारा सीधा सा फॉर्मूला ही होता है, 0.45 L होता है, तो इसकी वैल्यू हम डालेंगे, L की वैल्यू क्या है 570, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी निकलेगी 256.5। हमें सब कुछ मेंशन करके दिखा देना है क्योंकि उसी के नंबर मिलेंगे डायग्राम पे। तो रेडियस ऑफ द डाउन स्ट्रीम कर्व हेड तो आर इक्वल टू 0.25, ये हमारा डाउन स्ट्रीम कर्व है, ठीक है, 0.25 L, तो इसको भी जब हम 570 से इंटू कर देंगे 0.25 को, तो हमारी क्या निकल गई 142.5, ठीक है। सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कर देनी है और ये सब कुछ मेंशन करेंगे क्योंकि टीचर भी है ना, डायग्राम देख के नंबर देता है ज़्यादा, तो डायग्राम आपको अच्छा सा बना देते हैं बस इसमें, बाकी फिर डायग्राम बना देते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ डायग्राम लिख दिया क्योंकि यही डायग्राम बनेगा। तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप आ जाता है क्रॉस सेक्शन ऑफ द गाइड बैंक। इसमें थोड़ी मैंने ये दो ही चीज़ें लिखी है जो एज्यूम करनी होती है, बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने वाली मैंने लिखी नहीं है, वो आप देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या था, क्रॉस सेक्शन ऑफ गाइड बैंक, ठीक है, अब आता है हमारा, या फिर बंड बोल देते हैं हम, ठीक है, बैंक या बंड लिखा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ कन्फ्यूजन होना आपको। तो हाई फ्लड लेवल हमें गिवन था क्वेश्चन में 250 मीटर, तो एज्यूम फ्री बोर्ड हमने कर लिया, वही बताया था मैंने 1.25 से 1.5 तक ले लेते हैं, तो हमने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम वैल्यू है, ठीक है, 1.5 मीटर। तो टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक, तो हम बता सकते हैं अब टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक क्या होगा। तो हाई फ्लड लेवल गिवन था हमें, हाई फ्लड लेवल ये है हमारा, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन था हाई फ्लड लेवल, ठीक है। इसके बाद हमने फ्री बोर्ड एज्यूम किया 1.5 मीटर कर लिया, तो हाई फ्लड लेवल जब हमें गिवन है तो इसमें प्लस कर देंगे, तो टॉप लेवल हमारा गाइड बैंक का निकल आएगा, यही तो हमारा गाइड बैंक है, तो टॉप लेवल हमारा गाइड बैंक का निकल आएगा, तो कितना आएगा 250। हाई फ्लड लेवल हमारा क्वेश्चन में गिवन था, उसमें 1.5 प्लस कर दिया, तो हमारा 251.5 टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक निकल के आ गया। ये हमें चीज़ें दिखा देनी है क्योंकि जब हम डिज़ाइन करते हैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें बताते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमें दिखा देनी है, ठीक है। ऐसी हम अब अगला स्टेप देखते हैं। फिर क्या होगा, एज्यूम द टॉप वेड जो कैरीज वे होगा, टॉप वेड, ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं हम 5 मीटर, 5 मीटर ले लीजिए, हमेशा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और साइड स्लोप भी एज्यूम कर लिया हमने 2:1 का, ठीक है, ये वाला रेस, ये डायग्राम आपको लास्ट में बना के दिखा देना है, इसके बाद सारे स्टेप करने के बाद लास्ट में अच्छा सा डायग्राम बना देना है आपको। तो डेप्थ ऑफ द वाटर अबाउ बेड लेवल, तो ये हमारा बेड लेवल है, रिवर लेवल मतलब बेड लेवल। इसके बाद जो ये डेप्थ है ना, ये हमें कैलकुलेट निकाल के दिखा देनी है, ये कैसे निकलेगी, हाई फ्लड लेवल में से जब हम रिवर लेवल को माइनस कर देंगे तो हमारी ये निकल आएगी। तो हाई फ्लड लेवल में से रिवर बेड लेवल को माइनस कर दिया, तो 250 में से 242 हमारा क्या दिया, रिवर बेड लेवल। दोनों चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, माइनस करके हम वाई की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, वाई की वैल्यू यूज़ होगी हमारी अगले स्टेप में, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बैंक अबाउ रिवर बेड लेवल, तो हाइट क्या है बैंक की रिवर लेवल से ऊपर, तो ये हम निकल जाएगी कैसे, जब हम टॉप विड्थ, तो ये निकाल चुके हैं ऊपर तक की, टॉप विड्थ नहीं, टॉप जो लेवल निकाल चुके हैं, यहाँ का RL निकाल चुके हैं इसका, वो कैसे निकला था, हाई फ्लड लेवल में जब हमने 1.5 प्लस कर दिया, तो ये निकल चुके हैं। इसमें से जब हम क्या माइनस कर देंगे, ये रिवर लेवल को, ठीक है, रिवर लेवल को माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या निकलेगी, हाइट ऑफ द बैंक अबव रिवर बेड लेवल, तो हाइट ऑफ द बैंक ये निकलेगी पूरी, ये भी निकाल के दिखा देंगे। ज़्यादातर चीज़ें मेंशन करनी होती है डिज़ाइन में, तो हम ये भी निकाल के दिखा देंगे, ठीक है। बाकी हमारा अब लास्ट स्टेप है, ये तो पूरा सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है, डिज़ाइन ऑफ स्टोन पिचिंग एंड एप्रन, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप आपको सेम करना है ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है, स्लोप पिचिंग थिकनेस, हमारा टी का फॉर्मूला था, टी इक्वल्स टू 0.06 अंडर ब्रैकेट में क्यू की पावर 1/3। सीधा सा आपको फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है हमारी, ये क्वेश्चन में गिवन है 1000 है, ठीक है, 10,000 है, ठीक है, 10,000 तो डालनी है और आपको निकल के आएगी 1.3,
ठीक है, तो हमारी ये थिकनेस निकल आएगी, तो 1.3 मीटर। ठीक है, कौन से स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, ये 1.3 थिकनेस है पिचिंग की, ये टी की वैल्यू निकल आएगी। ये हमें मैंसन करनी है 1.3 क्वेश्चन के अंदर, ये मैं टी लिखा हुआ है, आपको ये 1.3 मेंशन कर देनी है। फिर आता है सो प्रोवाइड 1.3 मीटर साइड स्लोप पिचिंग। ठीक है, अगला फिर क्या होता है हमारा, थिकनेस ऑफ एप्रन, एप्रन की निकाल देंगे हम, टी इक्वल्स टू 1.90, ये जो स्मॉल टी निकल का है उसको 1.9 से इंटू कर देंगे तो हमारी इसकी निकल आएगी, तो वो कितनी निकल आएगी, 2.5 के पास निकल के आएगी। तो ये वाली हमारे बड़ा टी हो गया 2.5 मीटर थिक की स्टोन पिचिंग हम नीचे का साइड करते हैं। ठीक है, सो प्रोवाइड 2.5 थिक एप्रन, ठीक ये हो गया हमारा, बिल्कुल सिंपल से दो स्टेप थे। इसके बाद हमारा लेंथ ऑफ एप्रन, बस ये हमें लास्ट निकालना होता है, लास्ट हमारा सिर्फ यही होता है, लास्ट में यही निकालना होता है हमें लेंथ ऑफ एप्रन 1.5 डी। इसमें हमारे दो केस बन जाते हैं, अगर हमारा स्ट्रेट रीच गाइड बैंक है, पहला आता हमारा स्ट्रेट रीच गाइड बैंक है, और फिर हमारा दूसरा आता है अगर हमारा कर्वीलिनियर है। ठीक है, तो स्ट्रेट रीच है तो हमारा डी इक्वल्स टू 1.25 आर हो जाता है। ठीक है, यह स्ट्रेट रीच के लिए, अगर कर्वी लीनियर होता है तो बस 1.5 आर माइनस वाई हो जाता है। ठीक है, ये कर्वी लीनियर के लिए हो जाता है, बस दोनों को आपको निकाल के दिखा देना है, ये हमारा स्ट्रेट रीच के लिए, दोनों को आपको निकाल के दिखा देना है, बस आर इक्वल्स टू, और आर की वैल्यू में पता है क्या होती है, आर इक्वल्स टू 0.47 क्यू बाय एफ की पावर 1/3, और इसमें एफ की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारी सील्ड फैक्टर 1.67 अंडर रूट डी, और डी हमारा क्वेश्चन में गिवन है 0.25, वो जब डालेंगे तो हमारी क्या निकल आएगी, एफ की वैल्यू निकल आएगी, और एफ की वैल्यू फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर डाल देंगे हम क्यू की वैल्यू पर, आर की वैल्यू निकलेगी, और आर की वैल्यू फिर हम यहाँ पर डाल देंगे, बस इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी। तो आर इक्वल्स टू 0.47, हम यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल चुके हैं, 0.88 यहाँ पर डाल देंगे, 1000 हमें क्वेश्चन में, 10000 हमें क्वेश्चन में पावर 1/3 इक्वल्स टू 10.56 मीटर हमारी आर की वैल्यू निकल आ गई। आर की वैल्यू अब सिंपल सी हमें बस इस फॉर्मूले में डाल देनी है, तो हमारी क्या निकल के आएगी, जो अगर हमारा स्ट्रेट रीच गाइड बैंक होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, तो हमारी 5.2 मीटर निकल के आती है एप्रन की थिकनेस, एप्रन की लेंथ, ये जो लेंथ निकल के आएगी ना, ये अगर स्ट्रेट रीच होता है तो ये हम लेते हैं 5.2 मीटर। ठीक है, अब एक बार कर्वी लीनियर का भी निकाल के दिखा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है हमारा कौन सा है। ठीक है, फिर हमारा कर्वी लीनियर के लिए फॉर्मूला हो जाता है डी इक्वल्स टू 1.5 आर माइनस वाई, तो इस फॉर्मूले में डाल देंगे, आर की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, 10.56 आई थी, और वाई की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, 8 आई थी, तो जब डाल देंगे तो कर्वी लीनियर के लिए हमारी आ जाएगी एप्रन की लेंथ, वो आ जाएगी 7.84। तो ये हमारा एप्रन है, अगर हम कर्वी लीनियर लेते हैं तो ये आती है हमारी एप्रन की डिस्टेंस 7.84 फॉर कर्वी लीनियर। ठीक है, ये दो बार डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है नहीं तो एक बार ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, दो बार बना देंगे तो आपको फुल भी मिल जाएंगे। और स्ट्रेट लाइन के लिए कितनी आई थी हमारी, ये थी 5.2। ठीक है, हमारा ये हो गया क्वेश्चन अब कंप्लीट, हमने स्ट्रेट लाइन के लिए भी निकाल दी और कर्वी लीनियर के लिए भी निकाल दी, लास्ट में बस ये डायग्राम बना के हमें छोड़ देना है, और हमने एक्वीडक्ट का डिज़ाइन कर लिया, और आप बोलेंगे सरदा टाइप का, तो उसका भी हम बना देंगे वीडियो, एक्वीडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको उसका देखना है तो। बाकी हमारा गाइड बैंक का डिज़ाइन यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।